हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन बीइंग फैट प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल। आज का वीडियो एक इम्पॉर्टेंट और एक स्पेशल वीडियो है फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओपन बुक एग्जामिनेशन इन दिस वीडियो। ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या? ये एक ऐसा एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसमें हम आंसर्स लिखते हैं, लेकिन उनके लिखने के लिए वी कैन रेफर टू आर टेक्स्ट बुक्स और आर नोट्स और आर रेफरेंस मटेरियल। सो व्हेन वी विल बी राइटिंग द एग्जाम, वी विल बी एबल टू गो थ्रू द कंटेंट एंड प्रेजेंट इट। सो व्हाट इज़ इट टेस्टिंग एक्चुअली? It tests our understanding because we have notes in front of us, so definitely it is not going to check our memory. Open book examination हमारी understanding को check करता है। It will check whether we analyze the concepts, how can we present it in a limited amount of time. So that is very important. So let's understand some of the quick tips which will be helpful while writing an open book examination. फर्स्ट इज़ वी मस्ट प्रिपेयर वेल, क्योंकि ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है तो हम में से बहुत से लोग इस नोशन में होंगे दैट वी नीड नॉट प्रिपेयर, इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड द नोट्स, बट दैट्स नॉट द केस। व्हेन वी विल बी राइटिंग द एग्ज़ाम, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द नोट्स इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। So it is better that we keep our notes ready, we read them at least once and mark all the important points so that जब हम question देखें तो हमें पता हो कि कौन सा answer किस part में है हमारे notes या फिर हमारे textbook के। So that's why we need to prepare well and also because it is going to check our understanding, so हमें concepts को याद तो नहीं करना है लेकिन हमें उन्हें समझने की कोशिश ज़रूर करनी है ताकि हम अपने answer को अच्छे से लिख सकें। नेक्स्ट इज़ कीप द नोट्स हैंडी, डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। जो भी पेपर है, जितने भी पेपर हैं, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को कलेक्ट करके एक जगह सेग्रीगेट करके रख दें, सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम फाइंडिंग इट ऑन द लास्ट डे, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड टाइम इज़ अ मेजर फैक्टर इन एन ओपन बुक एग्जाम। सो अपने नोट्स को अभी से सेग्रीगेट करके मार्क करके एक जगह पे रख दें। नेक्स्ट, रीड द कंटेंट। कंटेंट को रीड करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर क्वेश्चन हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है तो हमें उस कॉन्सेप्ट का प्रायर नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इफ़ इट आस्क्स अस अबाउट समथिंग एंड वी स्टार्ट फाइंडिंग इट इन द टेक्स्ट बुक ऑन द सेम डे, वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस। हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे एंड देर इज़ अ चांस दैट वी माइट नॉट कम्प्लीट आर एग्जाम इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दैट्स वाई रीड द कंटेंट सो दैट यू कम टू नो अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस राइटिंग, बिकॉज टाइम इज़ अ मेजर फैक्टर, हमें हमारे आंसर्स को ढूंढ के सही टाइम में सबमिट करना है, सो वी मस्ट स्टार्ट राइटिंग प्रैक्टिस। उससे हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी और हमें हमारे आंसर्स को कैसे अरेंज करना है वो भी हमें आ जाएगा। मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करें एंड व्हेन वी राइट द आंसर्स, लेट अस प्रैक्टिस देम इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स और इन फ्लो चार्ट्स और इन टैबुलर फॉर्म। उससे टाइम कम लगेगा एंड वी विल बी एबल टू प्रेजेंट द कंटेंट वेल। एंड जब हम फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम्स या फिर टेबल की बात करते हैं तो वो हम उस दिन बैठ के नहीं बना पाएंगे, सो लेट अस रीड द कंटेंट नाउ इटसेल्फ एंड प्रिपेयर द फ्लो चार्ट्स इन एडवांस so that we simply have to make them quickly on the examination day. Next is highlight. When you write the answers, don't forget to highlight the main points, main words, the keywords which are required for the answer. Of course, highlighting के लिए colors use करना है या नहीं करना है वो institution to institution vary करता है, so whatever are the rules according to that use either colored highlighters or the pencil also does well. Write down the answer and don't forget to highlight the main words with either a light colored marker or with your pencil.
नेक्स्ट इज़ डू योर बेस्ट एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ओपन बुक एग्जाम है, हमें इसे लाइटली नहीं लेना है बिकॉज इट इज़ आवर लास्ट सेमेस्टर. सो वी मस्ट ट्राई टू डू वेल एंड प्रिपेयर आवर सेल्फ एंड गिव आवर बेस्ट सो दैट वी कैन जस्टिफाई आवर सेल्फ इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ आवर कोर्स. आई होप दीज टिप्स वर यूजफुल. प्लीज़ गो थ्रू इट. आई हैव रेड इट समवेयर इन न्यूज़ पेपर्स एंड बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू आर बिजी इन प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम सो यू माइट नॉट हैव रेड द आर्टिकल. आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. डू सी इट, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद ऑल दोज हु आर इन नीड. थैंक यू.